ताला यहूद का जिक्र कर रहे हैं इस आयत में, और अल्लाह सुभान व ताला कह रहे हैं क्या यहूद को मैसेज दिया गया, पैगाम दिया गया, लेकिन इन लोग ने, ये यहूद ने ये पैगाम को कबूल नहीं किया। और अल्लाह सुभान व ताला कहते हैं, इट इज लाइक डोंकीज कैरिंग टन्स ऑफ बुक्स बट इट डज नॉट अंडरस्टैंड। क्या गधे की तरह, क्या गधा बहुत से किताब अपने पीठ पे लेके जाता है लेकिन वो कुछ नहीं समझता है। इसीलिए अल्लाह सुभान व ताला हमें कह रहे हैं क्या हम, हमारी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। और कहीं पैगंबर यहूद को भेजे गए लेकिन यहूद ने इस मैसेज, इस पैगाम का इनकार किया, जूज ने इस पैगाम का इनकार किया और अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाए, अल्लाह के पैगंबर के ऊपर ईमान नहीं लाए। और बहुत से लोग अरब के ऊपर नीचे देखते थे पहले 1400 साल पहले, और ये वक्त अय्यामुल जाहिलिया का वक्त था कुरान मजीद नाजिल होने से पहले। तो कहीं जो अरब जो थे, ये दौर अय्यामुल जाहिलिया का दौर कहा गया था, बहुत से लोग अरब के ऊपर नीचे देखते थे। अल्लाह सुभान व ताला ने इस वक्त में कुरान मजीद नाजिल फरमाए और यही अरब में से जो लोग इस्लाम कबूल किए, जो सहाबा, उन लोग सबसे बेहतरीन लोग हो गए। तो अल्लाह सुभान व ताला इन लोगों को चुना और इन्हें टॉर्च बेयरर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाया, इन्हें सबसे बेहतरीन लोग बनाया। तो कभी भी हम लोग को नीचे नहीं देखना चाहिए। अल्लाह सुभान व ताला कोई भी लोग का इस्तेमाल कर सकता है, अल्लाह सुभान व ताला किसी को भी हिदायत दे सकते हैं। तो अल्लाह सुभान व ताला कहते हैं सूरतुल मुहम्मद सूरा नंबर 47 आयत नंबर 38 में, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकुनु अम्सालकुम। अगर हम मुसलमान हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, अगर हम दावती काम नहीं करते हैं, तो अल्लाह सुभान व ताला हमारे जगह एक दूसरी कौम लेके आएंगे और वो हमारे तरह नहीं होंगी। तो इसीलिए जरूरी है कि हम मुसलमान गैर मुसलमान को इस्लाम की तरफ बुलाएं, और अगर हम दावती काम नहीं करेंगे तो हम हलाक हो जाएंगे। हर मुसलमान के लिए जरूरी है क्या वो गैर मुसलमान को अल्लाह की तरफ बुलाए, दावत करे गैर मुसलमान की इस्लाम की तरफ। दावतुल इस्लाम ये हर मुसलमान के ऊपर लाजम है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सबसे ज्यादा आप मोहब्बत किससे करते हैं, किससे? माशाल्लाह, सवाल आसान है और जवाब भी आसान है। अगर आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे क्या आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो जवाब एक ही है और वो है अल्लाह। हम अल्लाह सुभान व ताला को मोहब्बत करते हैं हमारे माँ बाप से ज्यादा, हमारे बेटे से ज्यादा, हमारे रिश्तेदार से ज्यादा करते हैं क्या? नहीं, हाँ या नहीं? बेशक। और हर मुसलमान का जवाब एक ही है, क्या सबसे ज्यादा हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप
सुबह मैं अपने घर से ऑफिस की तरफ निकलते हैं काम करने के लिए, और जब आप शाम में घर पे वापस लौटते हैं तो आपको जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, वो बताते हैं आपको क्या आपका जो बाजू वाला पड़ोसी है उसने आपके माँ को गालियां दिया है बगैर वजह, आपकी माँ को बुरा भला कहा है। जब आपको पता चलता है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चलता है क्या आपका पड़ोसी आपकी माँ को बिना वजह गालियां दिया है, बुरा भला कहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको सबक सिखाएंगे? आप क्या करेंगे? कोई लोग उनकी टांग तोड़ देंगे, कोई लोग उनको मारेंगे, कोई लोग उनकी उनका हाथ तोड़ देंगे, और अगर आप उनको नहीं सबक सिखा सकते तो आप किसी और को कहेंगे क्या ये शख्स को सबक सिखाओ? आप सबक सिखाएंगे क्या नहीं आपके पड़ोसी को? हाँ या नहीं? जरूर, क्योंकि आप आपकी मां से मोहब्बत करते हैं। रोजाना हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे गैर मुसलमान भाई कह रहे हैं क्या अल्लाह ने बेटा जना, उन लोग शिर्क कर रहे हैं। और अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं सूरतुल मरियम सूरा नंबर 19 सूरा नंबर 19 आयत नंबर 88-90, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا They say Allah the most gracious has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا You have come with a thing most monstrous. इन लोग कह रहे हैं क्या अल्लाह सुभान व तआला ने बेटा जना? ये सबसे बड़ी गाली है अल्लाह के नजदीक। تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ That if the sky had feelings, it would have split open. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ and the earth would have split asunder and the mountains would have fallen to utter ruin. That Allah subhanahu wa ta'ala has begotten a son. And it does not befit Allah subhanahu wa ta'ala to beget a son. Allah subhanahu wa ta'ala ye ayat mein keh rahe hai, kya sabse badi gali Allah ke nazdeek ye hai, kya koi kehta hai kya Allah subhanahu wa ta'ala ne beta jana? रोज हमारे ईसाई भाई, हमारे गैर मुसलमान भाई कह रहे हैं कि अल्लाह सुभान व तआला ने बेटा जना, उन लोग शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक कर रहे हैं, और हमें पता है ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ी गाली है अल्लाह के नजदीक, और हम मुसलमान खामोश हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गैर मुसलमान को मारिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गैर मुसलमान या आपके गैर मुस्लिम को की तंगड़ी तोड़ दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गैर मुसलमान की तंगड़ी तोड़ दे या उनका हाथ तोड़ दे या उनको मारिए, हरगिज नहीं, आप उन्हें ऐसा उनके साथ ऐसा सुलूक मत करिए, लेकिन कम से कम मुंह तो खोलिए, कम से कम उनसे कहिए क्या जो आप कह रहे हैं वो गलत है। तो अफसोस की बात यह है, क्या हम मुसलमान कहते हैं क्या हम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब हमारे गैर मुसलमान भाई कह रहे हैं क्या अल्लाह सुभान व तआला ने बेटा जना, हम मुंह भी नहीं खोल सकते हैं। अगर कोई हमारी मां को गाली देगा तो हमें उसकी टांग तोड़ देने का है, हमें उसका हाथ तोड़ देने का है, हमें उसे मारना है। रोजाना
हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई कह रहे हैं कि अल्लाह सुभान व तआला ने बेटा जाना, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते हैं। और बहुत से मुसलमान, अफसोस की बात यह है, क्या दावत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं हमारी जो दोस्ती है वो कमजोर हो जाएंगी, हमारी दोस्ती खत्म हो जाएंगी। अल्लाह की दोस्ती ज्यादा जरूरी है क्या हमारे दूसरे लोग की? और अगर आप सही तरीके से दावत करेंगे हिकमत के साथ, तो गैर मुसलमान इस्लाम के तरफ करीब आएंगे और आपसे भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन आप सही तरीके से, अच्छे अंदाज से, हिकमत के साथ उनको दावत देना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। और अफसोस की बात यह है, क्या गैर मुसलमान को दावत देना तो दूर की बात है, बहुत से बार कई मुसलमान गैर मुसलमान के साथ शरीक हो जाते हैं उनके गलत काम में। और हमें पता है, क्या चंद महीनों बाद दिसंबर के महीने में क्रिसमस का वक्त आने वाला है, और कई मुसलमान अपने ईसाई भाई या अपने क्रिश्चियन दोस्त को, ईसाई दोस्त को 25th ऑफ दिसंबर के दिन पे मेरी क्रिसमस कहते हैं। जब आप अपने गैर मुसलमान दोस्त को मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, क्या आप शहादत दे रहे, नाउज बिल्ला, अल्लाह सुभान व तआला ने बेटा जना 25 दिसंबर को, आप नाउज बिल्ला शहादत दे रहे हैं क्या अल्लाह सुभान व तआला ने 25 दिसंबर को बेटा जना? दावा करने की तो बात दूर की बात है, अफसोस की बात यह है, क्या बहुत से मुसलमान गैर मुसलमान के साथ शरीक हो जाते हैं। दावा करना बहुत आसान है, आप आपके ईसाई भाई या आपके ईसाई दोस्त से एक आसान सवाल पूछिए, एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या व्हाट इज क्रिसमस, ये क्रिसमस क्या है? तो वो कहेंगे, इट इज द बर्थडे ऑफ जीसस हु इज द सन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो फौरन उन लोग कहेंगे, जब आप उनसे पूछेंगे क्रिसमस क्या है, क्या क्रिसमस ये दिन है जिस दिन खुदा ने बेटा जना, गॉड बिगॉट अ सन, दैट इज जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम, नाउज बिल्ला। फौरन आपका या आपकी दावत शुरू हो जाना चाहिए। देर इज नॉट अ सिंगल अनइक्वोकल स्टेटमेंट, नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल वेयर जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम, हिमसेल्फ सेज आई एम गॉड, और वेयर ही सेज वर्शिप मी। पूरे बाइबल में एक भी लफ्ज नहीं है, बाइबल में एक भी आयत नहीं है जो जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन खुद कहते हैं क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। पूरे बाइबल में एक भी आयत नहीं है ऐसी जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने लफ्ज से वाजह तौर पे कहते हैं क्या मेरी इबादत करो या मैं खुदा हूं। तो दावत करना बहुत आसान है, इसीलिए जब हम हमारे गैर मुसलमान भाई से बात करते हैं, हमें तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से हम गैर मुसलमान को दावत दें। और मैंने एक लेक्चर दिया हूं, टॉपिक है इस्लाम और ईसाइत में यकसानियत, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इसके अंदर तौहीद का जिक्र है इस्लाम में, और बाइबल में भी तौहीद का जिक्र है, क्या एक खुदा की इबादत करना चाहिए, और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के पैगंबर हैं। और कई आयत अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे ये वाज़ह करते हैं। तो अगर आप
ये स्पीच सुनेंगे, ये तकरीर सुनेंगे तो आपको वाज़े हो जाएगा। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। Never will the Jews and the Christians be satisfied with you unless you follow their brand of religion. Yahud aur Nasara aapke saath kabhi bhi razi nahi honge jab tak tab tak aap unka mazhab ikhtiyar kare. और अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. That they say that you will never enter paradise unless you become a Jew or a Christian. ये यहूद और नसारा कहते हैं क्या आप जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं होंगे तब तक जब तक आप यहूद या नसारा हो जाए, जब तक आप उनका मजहब फॉलो करें। ये यहूद और नसारा मुसलमान से कहते हैं क्या आप कभी भी जन्नत नहीं जाएंगे, चाहे आप नमाज 5 टाइम पढ़े, चाहे आप जो भी अच्छे आमाल करें, आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. That is their belief. ये उनका ईमान है, बकवास बकवास। تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Produce your proof if you are truthful. इस आयत में अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं क्या इनको कहो अपना बुरहान अपना दलील लाइए अगर आप सच बात कह रहे हैं। और जो ईसाई लोग हैं या ईसाई हमारे भाई हैं, वो उनका दलील क्या है? ईसाई कहते हैं क्या बाइबल हमारा प्रूफ है, हमारा दलील है? और वो कहते हैं बाइबल ये कहता है, बाइबल वो कहता है, बाइबल ये कहता है। हम क्या करें? हम इस दलील को मान ले बिना तहकीक करे? और हम बाइबल की तहकीक करने की बात तो दूर है, ये ईसाई लोग हमारा कुरान हमारा बुरहान इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ये ईसाई मुसलमान के घर पे आते हैं, उनके दरवाजे को खटखटाते और सवाल पूछते हैं। ये ईसाई मुसलमान से कहते हैं क्या कुरान मजीद में लिखा है, क्या बाइबल अल्लाह का कलाम है? और मुसलमान कहते हैं जी जी कुरान में लिखा है, क्या बाइबल अल्लाह का कलाम है? वो दूसरा सवाल पूछते हैं अगर बाइबल अल्लाह का कलाम है तो आप क्यों इसमें नहीं मानते हैं? और मुसलमान के पास जवाब नहीं है। वो दूसरा सवाल पूछते हैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान में कितने बार मौजूद है, कितने बार जिक्र है? तो अगर आपको पता है तो आप जवाब देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको जवाब देंगे। 5 बार कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, 4 बार मोहम्मद के नाम से और 1 बार अहमद के नाम से। वो दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितने बार है? अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको बताएंगे, कहेंगे क्या ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 25 बार है? तो 5 ज्यादा बड़ा है या 25? 5 या 25? वो सवाल पूछते हैं और आपको जवाब नहीं देते हैं, वो आपको मजबूर करते हैं।
क्या आप सोचिए, और वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। वो तीसरा सवाल पूछते हैं और कहते हैं, क्या नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मां बाप थे? तो आप कहेंगे जी। और वो दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या ईसा अलैहि सलाम, क्या उनके पास मां बाप थे? तो आपको ये मानना पड़ेगा, क्या ईसा अलैहि सलाम माँ से पैदा हुए लेकिन उनके पास बाप नहीं था और ये अल्लाह का मुअज्जिज़ा था? और हम मुसलमान को ये पता है, वो फिर आपसे सवाल पूछेंगे, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा बड़ा है, जो माँ बाप के साथ पैदा होता है या जो बाप के बगैर पैदा होता है, कौन बड़ा है? वो आपको सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, वो आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे। दे आर यूजिंग अस मुस्लिम्स एज पंचिंग बैग्स, एज डोरमैट रग्स। ये ईसाई हम मुसलमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजिंग अस एज पंचिंग बैग्स एज डोरमैट रग्स, और हम मुसलमान कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हमारे पास जवाब नहीं है, और ये अफसोस की बात है। वो चौथा सवाल पूछते हैं और कहते हैं, क्या नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरेकल्स किए, मुअज्जिज़ात किए? और हम कहें हाँ, उन्होंने मुअज्जिज़ात किए, उनका मुअज्जिज़ा कुरान मजीद है, ही स्प्लिट द मून, और मुअज्जिज़ात किए। वो दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे, क्या इन मुअज्जिज़ात में कभी भी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुर्दे को जान दी? तो आप कहेंगे नहीं, और हमें पता है कुरान मजीद में और कोई हदीस में, कोई सही हदीस में नहीं आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रजा, अल्लाह की परमिशन से किसी जिंदे को जान दे। तो ये मुअज्जिज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। वो आपसे सवाल पूछेंगे, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कभी किसी मुर्दे को जान दी, जो बंदा मर गया उसको जान दी? तो आप कहेंगे जी बेशक, और कहीं आयत है कुरान मजीद में, सूरतुल आले इमरान, कहीं आयत में इसका जिक्र है, बिइज़्निल्लाह, बाय द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी से ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं लोग को जिंदा किए, जो लोग मर गए उनको जिंदा किए अल्लाह की परमिशन से। वो आपसे सवाल पूछेंगे, कौन ज्यादा बड़ा है, हु इज ग्रेटर, कौन ज्यादा बड़ा है, जो शख्स एक मुर्दे को जिंदा कर सकता है या जो शख्स मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता है, कौन बड़ा है? वो आपको सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपको मजबूर करेंगे सोचने पर। वो आपको एक और सवाल पूछेंगे, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या मरे हैं? तो हमें पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इंतकाल हो गया और वो मदीना में उनका दफन है, मस्जिद नबवी मदीना में उनका दफन है। वो दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या मर गए? तो आपको कहना पड़ेंगे, क्या ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है? और अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते सूरतुल निसा सूरा नंबर 4 में, वर्स नंबर 158 में, बर रफ़अहु अल्लाहु इलैह, दैट अल्लाह रेज्ड हिम अप अनटू हिमसेल्फ। वो आपको सवाल पूछेंगे, कौन ज्यादा बड़ा है, हु इज ग्रेटर, द वन हु इज डेड और द वन हु इज अलाइव, कौन ज्यादा बड़ा है, जो बंदा जिंदा है या जो बंदा मर गया है? वो आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। दे विल लेट योर माइंड थिंक, दे आर यूजिंग अस मुस्लिम्स एज डोरमैट रग्स, एज पंचिंग बैग्स। ये ईसाई हमारे पास आते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं,
और अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान को जवाब नहीं पता है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, अगर आप सही अहादीस पढ़ेंगे, आपको जवाब पता चल जाएगा। और ये जवाब कुरान मजीद में है, लेकिन ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़िए। समझ कर पढ़ना कुरान मजीद को बहुत ज़रूरी है। और कराची में मैंने इस टॉपिक के ऊपर मौजू इस टॉपिक के ऊपर तकरीर दिया था, क्या कुरान को समझ कर पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो हमें इन सवालों का जवाब आएगा। ये ईसाई हमारे घर पे आते हैं और हमारा कुरान, हमारा बुरहान, हमारा जो दलील है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम मुसलमान कुरान मजीद को समझ के पढ़ें। अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो हमें इन सवालों का जवाब जरूर आएगा। और अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं सूरत आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब से, ओ पीपल ऑफ द बुक, कहो ए अहले किताब से, تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم, come to common terms as between us and you, आओ इस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Which is the first term? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, सबसे पहली बात क्या है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। वला नुशरिक बिही शैया, एंड दैट वी एसोसिएट नो पार्टनर्स विद हिम, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, दैट वी इरेक्ट नॉट अमंग आवरसेल्व्स लॉर्ड्स एंड पेट्रन्स अदर दैन अल्लाह। فَإِن تَوَلَّوْا, if then they turn back, فَقُولُوا شَهَدُوا, say, bear witness, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala.